करण जी जैसे सभी लोग 10 करण आए और आके 10 हाथ मिल जाता है तो बहुत शक्ति होती है। शहीद का स्वर्ग जैसा झारखंड के लिए हम लोग लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि पूरा झारखंड लड़ेगा और शहीदों का जो झारखंड का सपना वो हम लोग पूरा करेंगे। जोहार, आज हम पहुंचे हैं शहीद मणिनाथ मंडल के घर पे और उनके परिवार से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो झारखंड आंदोलनकारी विस्थापित को लेकर और गरीबों का एक मसीहा थे और उनके साथ कितने बड़े बड़े झारखंड के आंदोलनकारी जितने उनके सब साथी हैं और उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं हमारे झुमरा किंग करण महतो जो कि आज के दिन आंदोलन कर रहे हैं और इनके नक्शे कदम में कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं और आज के आंदोलन को इन लोग नेतृत्व करते हैं। आप पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस स्वभाव के थे, किस तरह से आंदोलन को देखें आपने, अभी आंदोलन में थे, उनके साथ जीवन संगिनी है। आज मेरे पति देव का 74वां जयंती है। हर साल के भांति हम लोग वो जाने के बाद जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। इस साल भी मनाए रहे हैं। सभी लोग आए, सभी समाज से भी राजनीतिक वृंदो जितनी जो भी हैं सब लोग आए, उनको माल्यार्पण किए, श्रद्धा किए। मेरे पतिदेव गरीब दलित पीड़ित के उत्थान के लिए अपना जान का निछावर कर दिए। वो मजदूरों पर जो अत्याचार होता था, किसानों पर जो अत्याचार होता था, वो अत्याचार को उन्होंने भ्रष्टाचार का रूप दिए थे और बोले थे ये भ्रष्टाचार हम खत्म करके रहेंगे और वो खत्म करने के प्रयास भी किए थे और किए भी थे। एक दिन में ये लेबर ऑफिस में 374 आदमी का उन्होंने नौकरी दी है। तो इसी तरह से उन्होंने किसी का भी दुखित देखते थे तो वहाँ वो देखते नहीं थे हमको जाना चाहिए या नहीं चाहिए, कूद पड़ते थे। हर सामाजिक काम में मेरे पतिदेव भाग लेते थे। हर सामाजिक को कुरीति को दूर करने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन दुखद बात यह है जो आज झारखंड राज्य 23 साल बन गया लेकिन आज हमारे मजदूरों का वही हाल है, हमारे किसानों का वही हाल है। जो हम लोग बोलते हैं ट्राइबल आदिवासी के लिए उत्थान होना चाहिए, लेकिन सच पूछिए तो जाइए दूर दराज में, गांव में जहां मैं जाती हूं वहां देखती हूं अभी भी आधा कपड़ा में बांध लग रहती है, पूरा वस्त्र भी नहीं मिलता है, आधा कपड़ा पहनती है आधा कपड़ा दे में देती है बांध लोग, कितने तकलीफ लगता है। उस एरिया में ज्यादा दूर नहीं है, टुंडी के क्षेत्र के ही हम बात कर रहे हैं, बहुत तकलीफ लगती है। लेकिन कुछ करने का है नहीं, प्रयास तो है जो सब मिलके युवा पीढ़ी आगे आए और हमारे दलित पीड़ित का उत्थान करे, इस राज्य का सही विकास हो, तभी जाके इन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतना ही कह के मैं अपना वाणी, धन्यवाद। दीदी, नई युवा पीढ़ी जो शहीद मणिनाथ मंडल के जिस तरह से वो अपने समय में आंदोलन किए, हमारे साथ करण महतो इन लोग भी आंदोलन करते हैं, इन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा अभी के जो आज मंजे हुए आंदोलन कर रहे हैं? आज हम करण जी को यही पूर्व में भी बोले हम बातचीत के दरमियान, लेकिन आज अभी यहाँ भी बोलेंगे कि करण जी जैसे सभी लोग 10 करण आए और आके 10 हाथ मिल जाता है तो बहुत शक्ति होती है, तो 10 हाथ मिले और मेरा पतिदेव का जो सपना था हर घर में दीपक जले, हर घर में शिक्षा का उन्नति हो, गरीब दलित का अपना अधिकार मिले, वो अधिकार से अपना वंचित नहीं हो, आदिवासी का उत्थान हो, ये जो सपना उन्होंने देखे थे, हर समाज से जो कुरीति दूर करने की बात थी, तो ये 10 करण मिलके मेरा आशा है ये कर सकते हैं और कुछ करके दिखाएंगे 2024 में, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। बहुत सारे वीर शहीदों के लोग, परिवार के लोग आशा कर रहे हैं कि आप लोग 2024 में कुछ ऐसा करके दिखाएं, झारखंड के लोग अभी भी शोषित पीड़ित हैं उन लोग का आप कल्याण करें। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मात समान रेखा माझी जो बोली सही है, बस हम विश्वास के साथ यही बोलते हैं कि मनिंदर मंडल सर लोग का जो भी सपना है, आने वाला नौजवान, आने वाला पीढ़ी, आने वाला झारखंड वासी, आने वाला झारखंड का हर एक नौजवान अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाएगा
और मनिंदर मंडल सर का जो सपनों का झारखंड था, और जितने तमाम शहीद है झारखंड के, विनोद बाबू और जितने बड़े नेता निर्मल दा, शहीद शक्तिनाथ महतो, जितने लोग हैं, हम विश्वास दिलाते हैं इनके 74वां जयंती में आज इनके घर पे बोल के जा रहे हैं और माल से आशीर्वाद भी लेके जा रहे हैं कि आने वाला समय झारखंड का हर नौजवान अपने शहीद के सम्मान के लिए, अपने शहीद का स्वर्ग जैसा झारखंड के लिए हम लोग लड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पूरा झारखंड लड़ेगा और शहीदों का जो झारखंड का सपना वो हम लोग पूरा करेंगे। यही बोल के मनिंदर मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड।